बिहार का पूर्वोत्तर जिला किशनगंज आज अपना 34वां स्थापना दिवस मना रहा है। पिछले 34 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास हम सभी जिला वासियों को सदैव प्रेरित करता आ रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1990 में किशनगंज बिहार के मानचित्र पर स्थापित हुआ था। तब से लेकर आज तक दिन प्रतिदिन हमारा जिला प्रगति की ओर अग्रसर है। 20 लाख की आबादी से अधिक जनसंख्या वाला हमारा जिला कुल 7 प्रखंड में विभाजित है। कुल 1884 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हमारा सुंदर किशनगंज पड़ोसी देश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ने वाला हमारा किशनगंज का रेलवे स्टेशन नेशनल हाईवे 27 के साथ कदम ताल करते हुए स्वाभिमान के साथ बढ़ता चला आ रहा है। बिहार के अग्रणी जिलों में शुमार किशनगंज शिक्षा के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन नए आयाम हासिल कर रहा है। किशनगंज का डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज, माता गुजरी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरा मारी, नवोदय विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा यह जिला अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए बेहद लोकप्रिय है। हमारा स्थानीय सोजापुरी राजवंशी, शेर सहवादी समाज आदि हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती प्रदान करता रहा है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से ठाकुरगंज प्रखंड का भीम तकिया महाभारत काल का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर रखा भगवान सूर्य की प्रतिमा आज किशनगंज के लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित 150 एकड़ में फैला फेनुगढ़ का ऐतिहासिक टीला तेड़ागाछ प्रखंड के साथ किशनगंज की पौराणिकता का परिचय देता है। वहीं दूसरी ओर जिले में 250 वर्षों से पुराना ऐतिहासिक चुल्ली स्टेट भी मौजूद है। इसके अलावा महीनगांव स्टेट और सिंघिया स्टेट किशनगंज के मुख्य स्टेट में शामिल थे और खगरा में स्थित खगरा नवाब की कोठी भी हमारे सुनहरे अतीत की निशानी है। किशनगंज में मौजूद हमारा शहीद अशफाक उल्ला खान स्टेडियम हमारे स्थापना वर्षों का साक्षी है। यहाँ हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों का भी आयोजन किया जाता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हमारा किशनगंज प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद लोकप्रिय है। ठाकुरगंज का भाटडाला पोखर एक समय में पांडवों का अज्ञातवास हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के समय जब भीम रसोईया बने थे तब यहाँ भात और साग बनाते थे। यह दोनों तालाब भाटडाला एवं सागडाला के नाम से महाभारत युग का गौरव इतिहास हमें दिखा रहे हैं। किशनगंज मुख्यालय के बीचों बीच स्थित बुद्धा नेहरू शांति पार्क स्थानीय शहरवासियों के बीच काफी लोकप्रिय है। वहीं जिले के कोचाधामन में मौजूद तैतलिया झील एवं शीतला झील प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन एवं मखाने के उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नेपाल की सीमा में स्थित टेढ़ागाछ प्रखंड का चिचोड़ा वन यह पिकनिक स्पॉट के रूप में दिन पर दिन प्रसिद्ध हो रहा है। किशनगंज के बीचों बीच से गुजरने वाली उत्तर बिहार की एक प्रमुख महानंदा नदी किशनगंज जिला वासियों के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा जिले में डोंक, कनकई, रतुआ और रमजान मुख्य नदियां हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ओदरा घाट काली मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र बिंदु है। प्रतिवर्ष काली पूजा के अवसर पर यहां साप्ताहिक मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में स्थित श्री हरगौरी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहां शिवलिंग में मां पार्वती की प्रतिमा अंकित होना इसकी विशेषता है। यह एक अद्वितीय शिवलिंग है। इसके अलावा किशनगंज शहर के लाइनपारा में स्थित बूढ़ी काली मंदिर में प्रतिवर्ष मां काली की प्रतिमा देने की होड़ लगी रहती है। यहां श्रद्धालुओं को प्रतिमा देने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोचाधामन प्रखंड के पुरंदहा पंचायत के अंधासुर दोघड़िया स्थित यह 600 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक शिव मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। कदम रसूल बाबा कमली शाह की दरगाह किशनगंज बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर किशनगंज बहादुरगंज रोड पर स्थित है। हर साल बैसाख के दिन यहाँ से 3 दिवसीय उर्स मेला चलता है।
टेढ़ा गाज का यह झाला मस्जिद किशनगंज की सबसे पुरानी विरासत है। यह 200 साल से अधिक पुरानी मस्जिद है। यहाँ प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है इस मस्जिद का निर्माण सिंघिया स्टेट के जमींदारों द्वारा किया गया था। इसके अलावा बहादुरगंज प्रखंड का दारुल उलूम मस्जिद भी आधुनिक वास्तुकला का अनोखा नमूना है। किशनगंज शहर के महावीर मार्ग में सिख समुदाय का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ रोजाना गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। किशनगंज रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, और साथ ही विधासा का यह कैथोलिक चर्च जिले का सबसे बड़ा गिरजाघर है। क्रिसमस के अवसर पर सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण से किशनगंज जिला बिहार के अग्रणी जिलों में अपनी पहचान बना रहा है। आज यहाँ बांस, फ्लाई ऐश, ब्रिस्क, मकई और चाय की प्रसंस्करण इकाई के साथ साथ बिस्कुट फैक्ट्री भी अवस्थित है। बिहार का किशनगंज एकमात्र जिला है जहाँ चाय की खेती होती है। वर्ष 1992 में 5 एकड़ में शुरू हुआ यह सिलसिला आज हजारों एकड़ तक फैल चुका है। आज जिले में कुल 12 चाय प्रसंस्करण इकाइयां हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का छठा सबसे बड़ा चाय की खेती करने वाला राज्य बन चुका है। किशनगंज में चाय के अलावा ड्रैगन फ्रूट की खेती भी की जाती है। ड्रैगन फ्रूट एक औषधीय फल है। किशनगंज में कृषकों के बीच अनानास की खेती की ओर रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है, और किशनगंज अब अनानास का निर्यातक भी बन चुका है। आज किशनगंज बिहार की चाय अपना ब्रांडिंग लोगो बिहार टी के नाम से पूरे राज्य में किशनगंज का गौरव बढ़ा रहा है। पिछले दिनों बिहार भवन के द्वारा किशनगंज के उत्पादकों की सराहना की थी। किशनगंज की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित खेता एम्ब्रॉयडरी डिजाइन भी आज पूरे भारत में स्थानीय संस्कृति व कला की छाप छोड़ रही है। जिले में प्राकृतिक रूप से होने वाले बगीचों में सूर्जापुरी आम अपने मीठे स्वाद और विशेष गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी के अलावा किशनगंज में केले की खेती भी काफी मात्रा में की जाती है। केला उत्पादन से किसानों को अधिक लाभ होता है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में भी प्रसाद के रूप में केले का विशेष महत्व है। किशनगंज के सुप्रसिद्ध खगरा मेला की शुरुआत वर्ष 1883 में की गई थी। हर वर्ष जनवरी फरवरी में लगने वाला यह मेला बिहार के सबसे पुराने और विख्यात मेलों में से एक है। पिछले वर्ष किशनगंज जिला स्थापना दिवस में आयोजित कार्यक्रम किशनगंज जिला वासियों के लिए मनोरंजन व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रहा। यह आयोजन स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करता है, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किशनगंज जिला वासियों के समक्ष करते हैं। जिला स्तरीय खेल कूद, जनसंवाद व जन कल्याण कार्यक्रम किशनगंज को समृद्धि और सामाजिक समरसता की दिशा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2023 में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नशा मुक्त बिहार हाफ मैराथन दौड़ का भी आयोजन शहीद अशफाक उल्ला खान स्टेडियम खगड़ा में हुआ था। किशनगंज जिला मुख्य रूप से एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पर यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग आपसी मेल मिलाप के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए अब पर्यटकों के लिए अनुकूल किशनगंज के समीपवर्ती स्थानों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। किशनगंज शहर से मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कानकी में श्री कृष्ण अवतार बाबा रामदेव कानकी धाम स्थित है। यह मंदिर परिसर अपनी भव्यता और मान्यता के लिए आसपास के क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध है। पिछले 34 वर्षों का अनुभव हमें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता चला आ रहा है। पिछले वर्ष फरवरी माह में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा समाधान यात्रा के क्रम में किशनगंज में कई नई योजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसमें 53 करोड़ 39 लाख की लागत से बना अल्पसंख्यक छात्रावास भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कोचा धामन प्रखंड के डेरामारी पंचायत सरकार भवन पहुंचकर पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नव निर्मित सार्वजनिक तालाब का उद्घाटन किया। जीविका दीदी के साथ मुख्यमंत्री जी का सीधा संवाद आज बिहार में महिला सशक्तिकरण को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।
आज जिला स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी जिलावासी किशनगंज के विकास में सहयोग करने का संकल्प लें। हमें सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, हम सभी अपने सामूहिक प्रयास से किशनगंज जिले को बिहार के प्रमुख विकसित जिलों में अग्रणी बनाएंगे। धन्यवाद।